बढ़ते आगे और जबलपुर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना है और इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्यमी आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। 5 सेक्टर्स पर फोकस रहेगा जिसमें एग्रो यानी खेती, माइंस यानी खनन, डिफेंस यानी रक्षा, टूरिज्म यानी पर्यटन और गारमेंट्स क्लस्टर यानी कपड़ों से संबंधित क्लस्टर्स पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और आपको बता दें कि लास्ट मिनट एंट्री भी कई निवेशकों की, कई उद्यमियों की हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो 3,500 से ज्यादा ही यहां पर निवेशक आएंगे और देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश न सिर्फ रक्षा बल्कि खेती और पर्यटन से जुड़े विषयों को आज इस कॉन्क्लेव में रखता है, इस पर लिए चलेंगे आपको इस कार्यक्रम में भी। प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में आज रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। देश विदेश के कई उद्योगपति यहां पर पहुंचेंगे और महाकौशल के लिहाज से आज का दिन जो है वो बहुत खास हो जाता है। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना SP पूरे इस सेंटर का अभी मुआयना कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे। सर, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जबलपुर के लिहाज से आज के दिन को? नहीं, देखिए ये लगभग 12 साल बाद एक रीजनल कॉन्क्लेव यहाँ हो रही है, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 12 सालों में बहुत समय परिवर्तित हुआ है, मध्य प्रदेश ने बहुत आगे नीतियों में परिवर्तन किया औद्योगिक विकास के लिए और उस हिसाब से कॉन्क्लेव बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे महाकौशल प्रांत के लिए। बहुत मुफीद भी है सर, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और माँ नर्मदा वैली है तो पानी की भी कोई कमी नहीं। तो इंडस्ट्री भौगोलिक स्थिति से यदि आप देखें तो जबलपुर बड़ी आदर्श स्थिति में है। इसका ईस्टर्न साइड में वही महत्व है जो कि वेस्टर्न साइड में इंदौर का है। तो अब एक मौका आया है जब हमारे NH यहाँ से गुजर रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट का टर्मिनल नया बन गया है और मुझे लगता है कनेक्टिविटी यदि बनी है तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी बहुत है और इसका फायदा यहाँ पर जो है लोगों को अब औद्योगिक विकास के लिए मिलेगा। अनुमानित कितना निवेश आप मान रहे हैं कि आज के दिन आ सकता है जबलपुर? इस बार जो ये रहा है जो MPTDC ने जो हमको बताया है, इस बार टारगेट उसको लेके नहीं है। टारगेट ये है कि जो भी व्यक्ति आए उसका चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट हो या बड़ा इन्वेस्ट हो उसको धरातल पर उतारा जाए। मोटे तौर पर मान के चला जा रहा है कि करीब 80,000 से 1,00,000 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। एक्चुअल कितने होंगे आज दिन भर की मीटिंग्स के बाद ये तय हो पाए। ठीक, शुक्रिया सर। दीपक सक्सेना हमारे साथ थे, जबलपुर के कलेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि महाकौशल बहुत मुफीद जगह है इंडस्ट्रीज के हिसाब से क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो बहुत सपोर्ट करती हैं और इसके साथ ही आज बड़ा निवेश जबलपुर में आएगा। 80,000 से लेकर 1,00,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ News18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और मौके का मुआयना करके डिटेल्स इकट्ठी की और इस पर डिटेल्स रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। हमारे सहयोगी वासु चौरे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। वासु, आपने मुआयना किया होगा, किस तरह का यहां पर माहौल है और जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन्हें कितना आकर्षित करेगा ये कॉन्क्लेव? निश्चित तौर पर देखिए, जबलपुर पूरी तरीके से निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार है क्योंकि एक लंबे अरसे बाद ये मौका आया है जब रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम जो अलग अलग उद्योग हैं जिनसे संबंधित यहाँ पर निवेश आने हैं उनकी प्रदर्शनियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र अक्सर होता है डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ पर अभी जो जिन चीज़ों का निर्माण हो रहा है और अब आने वाले समय में और जो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और तमाम जो हथियार हैं, जो सुरक्षा उपकरण हैं जिनका निर्माण मध्य प्रदेश की धरती पर होता है, महाकौशल की धरती पर, इसमें एक नया एक जो निवेश है वो भी आने की जो संभावना है और इस तरीके के कई सारे इक्विपमेंट्स जबलपुर में मध्य प्रदेश की धरती पर अब आने वाले समय में बनेंगे। इसके साथ ही टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में जो है वो काम होगा और इसके लिए भी जो ये पूरा इन्वेस्टर्स समिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे फिर इसके अलावा हम मिनरल्स की बात करें, माइनिंग से संबंधित उद्योगों की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े उद्योगों की बात करें तो वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर आने वाले हैं। और फिलहाल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वागत के लिए निवेशकों के पूरी यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और वो सीधे मुख्यमंत्री प्रदेश के यहाँ पर पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे और अब फटाफट अंदाज